तो आज मैं और मेरा दोस्त एक खतरनाक चैलेंज लेने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट हार्डकोर का। यार तुमको जिसको पता नहीं पता तो हार्डकोर वर्ल्ड होता है काफी ज्यादा खतरनाक माइनक्राफ्ट में। अगर आप एक बार भी मर जाते तो आपका वर्ल्ड हो जाएगा खत्म। तो हमको आज की वीडियो में करना है 10 दिन सर्वाइव। हाँ 100 दिन का करना था हमको, लेकिन पहले हमने कहा भाई 10 दिन कर लेते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है चैलेंज। तो मेरे कुछ गोल्स रहने वाले आने वाले टाइम में। अगर अपने को यार देखो सर्वाइव करना है तो सबसे पहले अपने को एक विलेज ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्लान है मेरा और मेरे दोस्त का, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो खतरनाक बिल्ड्स करता है। तो यार हमारा प्लान है यार विलेजर्स मतलब विलेज में जाके रहेंगे, ताकि हम विलेजर्स से यार थोड़ा सा मतलब समझ रहे तो फार्म्स के लिए विलेजर्स काम आएंगे तो ओपी बिल्ड कर सकते हैं। और रही बात बाकी गोल्स की, तो यार सबसे पहले आयरन आर्मर लेना क्योंकि 10 ही दिन में सर्वाइव करना है। और सबसे पहले मेन बात तो यार सर्वाइव करना हमारा गोल है, 10 दिन करना है, तो जो भी है जो भी जल्दी से करना है। और देखो आयरन करना है, विलेज ढूंढना है, और अपने लिए घर बनाना है, और अपने लिए खाने का इंतजाम यानी कि फूड फार्म बनाना है। तो देखो काफी ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंज होने रहा है। तो यार ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब बटन है वो दबा देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना हार्डकोर की जर्नी, लेट्स बिगिन। तो जैसे माइनक्राफ्ट में आने पे सबसे पहले हम वुड तोड़ते हैं, तो वही हार्डकोर में भी करना होता है। तो हम पहले दोनों लोग जाते हैं भाई वुड तोड़ने, और अपनी जर्नी ऐसे हो जाती है स्टार्ट। हमको मतलब प्लेन बायो में सही सा स्पॉन मिला था, लेकिन विलेज करीब नहीं था। तो यार वो बड़ा टास्क था क्योंकि हमको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो पहले लकड़ियाँ तोड़ते फटाफट से, फिर देखते आगे क्या करना है अपने। तो अभी वक्त आ चुका था अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बनाने का। तो मैं जल्दी से अपने लिए वुडन के एक्स और पिकैक्स बना देता हूँ, ताकि यार हम अपना मतलब खाने के लिए सबसे पहले आप अपने को एनिमल्स को मारना पड़ेगा। तो जल्दी से उधर चलते हैं क्योंकि खाना तो भी बहुत जरूरी है और बेड चाहिए अपने को यार, रात वात हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं शीप्स को मारता हूँ, वैसे वुल लेता हूँ क्योंकि आयरन था नहीं हम शेयर से यूज़ करने के लिए। तो जितने भी शीप्स दिखते हैं मैं फिलहाल पेल देता हूँ, और जल्दी से खाने के लिए बाकियों को भी पेल देता हूँ। और फिर भाई खाना वाना तो हो रखा था, अब इसको बस जलाना था यानी कि इसको कुक करना था और उसको खाना था, क्योंकि यार अपना पेट भर जाता मजे से बिल्कुल। गधा कब से स्पॉन होने लगा माइनक्राफ्ट में? गधा तो आता है। अरे गधे का बच्चा भी है? अरे सही में आता है। तो यार जब तक हमें अपना खाना कुक कर रहे थे यार अपनी प्यारी सी चेरी ब्लॉसम्स बायोम में बहुत मजा आ रहा था, तब तक होने लगती है रात। तो अपना डे वन इसी में चला जाता है, यानी कि विलेज तो हमको मिला नहीं, लेकिन डे वन तो खत्म हो चुका है, मेरे को लगता नहीं मिलने वाला है, क्या होता है आगे देखते हैं। लेकिन ये बायोम जो भी बोलो बड़ी प्यारी है यार। तो यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, बेड लगा के चुपचाप से सो जाते हैं और डे वन को अपने कर देते हैं कंप्लीट बिल्कुल से। Go, first night survive. हो गया भाई पहला दिन खत्म यहाँ पे इस तरह से। Let's go. सुबह हो गई। अबे बारिश क्यों नहीं जा रहा? तो यार पहला दिन तो हमने इजीली सर्वाइव कर दिया था, लेकिन हमको क्या पता था आने वाले टाइम में इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होने वाली है, क्योंकि दूसरा और तीसरा दिन हम निकाल देते हैं पूरा विलेज ढूंढने में, यानी हमको मिलता ही नहीं। मैं इधर उधर घूमता फिरता हूँ, भटकता फिरता हूँ, लेकिन ना मेरे दोस्त को मिलता है ना मुझे मिलता है। हमको यार केव मिल जाती है, सब मिल जाता है, लेकिन विलेज मिलने का नाम लेता नहीं। हमको फोर्ट डे पे जाके मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड गए हमारे लिए यार। 2 दिन तो उसी में चले गए पूरे। ओ फाइनली रिमर्स वो देखो विलेज। लेट्स गो भाई। भाई साहब घंटों लग गए भाई विलेज फाइंड करने में, मेरे को लगता है आधा दिन 2 दिन तो इसी में निकल गए होंगे। ये वैसे विलेज अच्छा मिला है अपने को, बड़ा लग रहा है। बड़ा सर रुको इसमें वो भी होगा आई गेस। चेरी ब्लॉसम्स में मिल जाता ना मजा आ जाता भाई। अरे यार विलेज में बस आयरन मिल गया। आयरन गोले में है ना? गोलम तो है ही, लेकिन वो आयरन वाला मेरे ये रहा ये रहा है इधर। इसमें डायमंड भी मिल जाते कभी कभार। डायमंड भी मिलता है? 3 2 1 आप खोलो आप। डायमंड आर्मर है बस, वो भी हॉर्स का, और ऑब्सिडियन है। रखो भाई इसका क्या ही करेंगे हम। गाइस देखते देखते अपनी विलेज में भी हो रखी थी रात। देखो विलेज से हमको ज़्यादा उम्मीदें थी कि आयरन डायमंड कुछ मिलेगा, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं। तो हम चुपचाप से सो जाते हैं क्योंकि कोई और काम भी नहीं था। हमने कहा भाई सो जाते हैं, तो भाई नेक्स्ट डे पे हम करेंगे यार अपने आयरन माइनिंग स्टार्ट। सुबह होते ही जाएंगे पहले केव में और करेंगे भाई ग्राइंडिंग खतरनाक वाली स्टार्ट। दोस्तों मैं आ चुका हूँ भाई विलेज से, जाकर बारिश हो रही है बहुत बुरी यहाँ पे गाइज, और मेरे पास हो चुका है कुछ 25 आयरन। और भाई हार्डकोर में तुमको तो पता ही है, देखो ड्रीमर्स को देखो किधर अकेला भागे जा रहा वो देखो। थोड़ा लेने जा रहा हूँ
तो यार मैंने तो आयरन माइन कर लिया था, मेरे पास कुछ 25 था जिससे मेरा आयरन सेट बन जाता, लेकिन ड्रीमर्स का बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो मैंने फर्नेस में लगा दिया अपना जलाने के लिए, और मतलब यानी स्मेल्ट करने के लिए, और वो चला जाता है अपना, मतलब थोड़ा सा उसने कहा खुद भी थोड़ा सा आयरन लेने जाता है, तो मैंने कहा ठीक है तुम चले जाओ, तब तक मैं अपना आयरन आर्मर बना लेता हूँ जल्दी से। 50-25 मैं अपना आर्मर रेडी कर रहा हूँ भाई। विलेजर क्या देख रहा है, ये देख आयरन का बन गया 4 दिन में, ये देख। तो गाइस यहाँ पे मेरा आयरन रेडी था, विलेज हमको मिल चुका था, यानी अपने 2 गोल्स हो चुके थे कंप्लीट, लेकिन थर्ड जो कि था सर्वाइव करना। अब आने वाले 5 दिन में पता चलेगा मैं पूरा सर्वाइव कर पाता हूँ या नहीं। तुमको तो पता है मेरे को बहुत ज़्यादा चुलमची होती है ज़ॉम्बी से लड़ने की या कुछ भी ऐसी हरकत करने की, ऊपर से कूदने की। तो देखते भाई आगे क्या होता है आने वाले वीडियो में। बाकी 4-5 दिन अभी, यहाँ पे 5 दिन कुछ निकल चुके थे, अभी देखते हैं नेक्स्ट 5 दिन में क्या होता है, क्योंकि अभी अपने पास 2 काम बचे, एक तो अपना घर बनाना और दूसरा अपने लिए फूड फार्म बनाना, वो तो मेन अपनी चीज़ बचे, क्योंकि फूड तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उस पर बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। तो गाइज हम 100 कर उठ चुके थे और ये 6th या 7th डे था, हम कुछ एक्जैक्टली मेरे को याद नहीं, लेकिन ड्रीमर्स ने मेरे को बोला था कि भाई तुम सीड्स लाओ वुड वो तोड़ रहा है, क्योंकि हम अभी बनाने थे यार फूड फार्म यानी कि ब्रेड वाला वीट फार्म। तो उसने मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सीड्स तोड़ने में लग गया और वो वुड तोड़ने में लग गया, बाकी तो हमारा चल रहा था भाई टाइम पास, जल्दी से इसको तोड़ते और चलते भाई फूड फार्म की ओर। तो वो रात के साथ हमारे ख़त्म हो चुके थे 8 दिन कंप्लीट, यानी कि अब बचे थे बस 2 दिन, लेकिन ये 2 दिन भी क्या हो जाए, क्रीपर पीछे से फट जाए बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ देते हैं ताकि हम अपना वीट फार्म बना पाए, और जल्दी से मैं वहाँ पर पानी डाल के वहाँ पर ग्रास हटा देता हूँ, ताकि उधर हम अपना अपने मतलब हु से उस पर यानी कि अपना फार्मिंग का सब लैंड बना दे और जल्दी से इधर कर दे अपनी फार्मिंग स्टार्ट। तो फिलहाल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, ड्रीमर्स करेगा फार्म, तो यार आ चुका है वो भी, चलो करते हैं अपना काम शुरू। तो इस तरह से फेंस लगा के हम कर देते हैं अपना सीड्स प्लेस करके अपना काम कंप्लीट, और बीच में से मैं थोड़ा सा गेट बनाता ताकि हम अंदर जाके यार वीट तोड़ पाए। और यहाँ पे अपना फूड फार्म का हो चुका है बिल्कुल डन। तुम भाई तुम प्रोनेस देख रहे हो भाइयों, प्रोनेस देख रहे हो, फेंस भी लगा दिया लेकिन फिर भी गेट कर दिया, चुलमची थी फेंस, तुम देख रहे हो यार इतने जल्दी जल्दी हमने बना दिया और हम सर्वाइव भी कर गए। हाँ पता है 10 दिन किया है 100 दिन नहीं, लेकिन हमने कर दिया भाई। हमको पहले तो भरोसा नहीं था कि हम 10 दिन टिक पाएंगे, लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा सेफ खेला। अब अपना लास्ट टास्क बचा है जो कि है अपना घर बनाना। चलो करते हैं घर बनाना स्टार्ट। पता नहीं भाई क्रीपर फट सकता है घर में, मेरे को क्यों फील आ रही है कि भाई मैं टेंथ डे पे ही मरने वाला हूँ। तो गाइस ये थी मेरी कुछ प्राइम लोकेशन, बिल्कुल फार्म के साइड में हमने सोचा घर बनाते, तो मैं तो बस भाई वुड लाकर दे दिया, आगे तो ड्रीमर्स ने करना था, वो लग गया भाई बनाने में घर, क्योंकि मेरे को क्राफ्टिंग आती नहीं इतनी अच्छी जितनी उसको आती है। उसके भाई तुम बिल्ड्स देखना, मैं आने वाले वीडियोस में देखना बस, तुम इतने तगड़े फार्म्स और बिल्ड्स करेंगे हार्डकोर में कि बस भाई तुम पागल हो जाओगे। तो उसको अपना काम करने देते हैं, मैं करता हूँ थोड़ा सा भाई इधर उधर देखता हूँ, थोड़ा ऊपर क्लाउड्स वाउड देखता हूँ, नया पैक लगाया था मैंने भाई, अच्छा लग रहा था क्लाउड्स का, बाकी हो गया भाई मेरा। अब जल्दी से बनाते हैं इसको भाई, बना जल्दी, वैसे भाई 1 दिन सर्वाइव करना है, लेकिन अब रात अभी तक हुई नहीं है और दिन खत्म हुआ नहीं है, कुछ भी हो सकता है भाई, मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ भाई हम 10 दिन सर्वाइव कर दे, ऐसा कभी होगा क्या। चलो लास्ट डे है बॉयज, टेंथ डे हम सर्वाइव करने वाले हैं, कैसी फील आ रही है ड्रीमर्स? घर कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन रात हो भाई, मेरा स्काई पूरा ऑरेंज कर दिया है मैंने, पैक लगाया मैंने, सही लग रही है रात, आखिरी रात है वैसे अपनी, घर बन चुके मतलब बन के हो चुका है रेडी। और स्केलेटन ओए तेरी सी, और ये आखिरी रात खत्म, ओ मैं नीचे सो गया आखिरी रात में माइनक्राफ्ट के।
अपने हार्डकोर के, और इस तरह से हमने डे 10 सर्वाइव कर लिया है दोस्तों। देख सकते हो तुम लोग डे 10 यहाँ पे नजर आ रहा होगा तुमको। भाई तू डांस करने लग गया, इसका हो गया भाई 10 दिन हो चुके अपने यहाँ पे कंप्लीट। और हमने आज क्या क्या बनाया वैसे, मतलब 10 दिनों में हमने घर बनाया, आयरन आर्मर बनाया, वीट फार्म बनाया, विलेज ढूंढा, बहुत ज़्यादा मज़े भी किए, बहुत ज़्यादा टाइम पास भी किया है ना। तो गाइज आज के लिए हमने को इतना सब बनाया, अब नेक्स्ट वाले हम वीडियो जब भी लाएंगे तो अपना प्लान होने लगा खतरनाक वाले बिल्ड्स बनाने का, जैसे आयरन फार्म होगा। मैं तो सोच रहा हूँ भाई गोल्ड का मैंशन ही बना देते, क्या ख्याल है ड्रीमर्स इस पे? गोल्ड का मेंशन ज्यादा नहीं हो गया भैया? हाँ, ज्यादा हो रहा है क्या? तो गाइस ये कट कर देंगे, बाकी अभी डायमंड आर्मर बनाएंगे। और मेरा तो प्लान है भाई सीधा चलते हैं एंडर ड्रैगन की कुटाई करने अगले वाले वीडियो में, आज नहीं, अभी थोड़ा सा डायमंड करेंगे और सीधा जाएंगे उसकी कुटाई करने। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, नए हो तो सब्सक्राइब मारो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हो गया डांस भाई, जा सो जा अंदर जाके उस घर में जाओ।